हॉस्टल में जो सबसे पहले जो हमारा स्टाफ है हमने उनको अवेयर किया है, अपने डॉक्टर्स को अवेयर किया है, इसके पूरे सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशन उनसे डिस्कस की हुई है। इससे पहले भी मैंने यहाँ पूरे ब्लॉक के जो भी आशाज हैं प्लस मेरा पूरा हेल्थ का डिपार्टमेंट जो है मैंने उनके साथ एक यहाँ पे सिम्पोजियम नीचे हॉल में किया, कॉन्फ्रेंस हॉल में डिटेल में हमने उनके साथ बात की, जिसमें हमारा एडीसी साहब भी यहाँ के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं भद्रवा वो भी आए थे, मैंने आर्मी के सीओ साहब को भी बुलाया था। तो हमने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, 10 दिन पहले मैंने अपने पूरे स्टाफ को इसके अवेयर किया है इसके बारे में। भद्रवा में मैंने बीएमओ से पहले ही मीटिंग कर दी थी, इससे पहले मैंने एक अवेयरनेस कैंप भी करवाया था वहाँ पर भद्रवा में, जिसमें सरपंचों को भी बुलाया हुआ था। उससे इसकी प्रिवेंशन के लिए हमने पूरे तैयारियाँ की हुई हैं, लोगों को भी अवेयर किया हुआ है, और यहाँ पर इनको स्पेशली मैंने बोल के रखा हुआ कि एक आइसोलेशन वार्ड तैयार करके रखें, जिसमें फुली इक्विप करके रख लें, जो भी ड्रग्स इसके लिए चाहिए और स्टाफ जो चाहिए उसके लिए वो अलग से एक आइसोलेशन वार्ड रखें, ताकि कभी कोई खुदा ना करे ऐसा कोई केस आ जाए तो उसको आइसोलेशन में रखें ताकि ये चीज़ आगे ना फैल पाए।